हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माई चैनल में आप सभी दोस्तों को फिर से स्वागत है हमारे नए ब्लॉग वीडियो में। आप सभी देख सकते हैं अभी मैं ये जूम लाइन मशीन पे आया हूँ। ये हमारे भैया है किशोर भैया, जो कि हमारे ये ऑपरेटर हैं किशोर भैया। ठीक है, फंक्शन बताएंगे आप सभी को मशीन के बारे में और कुछ जानकारी मिलेगा आप सभी को। बने रहे हमारे ब्लॉग वीडियो में लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मशीन का इंक्वायरी मिले आप सभी को, जानकारी लेना हो तो कमेंट में पूछें, हम देंगे आप सभी को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप सभी को उस मशीन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले, आप सभी तक पहुँचे और आप सभी के भलाई के लिए जो भी है आजकल इक्विपमेंट में जो भी है, आप सभी कोई भी इससे जानकारी मिल रहा है तो हमको बहुत खुशी होता है, आप सभी को भी खुशी होता है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आप सभी के उम्मीद से ही हम भी वीडियो बनाते हैं, आप सभी का उम्मीद ही हमारे पास भी रहता है तो वीडियो बनाते हैं। ठीक है, अभी पूछते हैं भैया से। दोस्तों ये जूम लाइन है और ये आप सभी देख सकते हैं पीछे जो भी काउंटर वेट है, इसका काउंटर वेट कितना टन है आप सभी देख सकते हैं, 29 टन है, जो कि साइड में देता है, पूरा फुल देता है, सही है, इसका काउंटर वेट अच्छा लगता है। और ये क्रेन है जो कि 85 टन है और इसका मॉडल आप सभी देख सकते हैं, जो कि मॉडल है जूम लाइन का, इसका ZCC850 एच है, जो कि आप सभी देख सकते हैं। ये जूम लाइन का कलर, इसका आप कमेंट में बताएं इसका कलर कैसा लगता है आप सभी को जूम लाइन का, जो कि कलर तो बहुत अच्छा लगता है इसका, कलर के मामले में बोले तो ग्रीन कलर अच्छा है। और ये कार्बोडी देख सकते हैं, नीचे कार्बोडी काउंटर वेट है। ठीक है, कार्बोडी एक साइड का 3 टन है, एक साइड का 3 टन 6 टन है और इसका जो कि मेन काउंटर वेट है जो कि 29 टन है जूम लाइन का, 85 टन का। और ये ट्रैक देख सकते हैं, ट्रैक का पैड भी अच्छा है, ये ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, चलिए केबिन के बारे में, चलिए बने रहें वीडियो में लास्ट तक। अभी आप सभी को ये केबिन के आगे, केबिन के अंदर देख सकते हैं, ये केबिन का दृश्य देख सकते हैं, केबिन कैसा होता है जूम लाइन का। ये जूम लाइन 85 टन है, 85 टन। अभी ये कुहासा पूरा घेरा हुआ है, पानी पानी है जी, ज़बरदस्त है, कूलिंग है। ये केबिन देख सकते हैं, केबिन थोड़ा इसका स्पेस देता है और भी मशीन से थोड़ा कम है, फिलहाल पतला है लेकिन जितना में है अच्छा है। ये दो देख सकते हैं एसी का है, जो होल है उधर जो एसी का है, इधर साइड में फैन है और ये बॉक्स हो गया जो कि केबल बॉक्स जो भी है, पैनल बोर्ड का पीछे का बॉक्स है, ये साइड का है देख सकते हैं। पीछे भी इसका ग्लास जो कि ओपन हो सकता है, जो पीछे का ग्लास है उसको ओपन कर सकते हैं। और ये साइड में आपका बॉटम दिया है, स्विच जो भी इसमें जूम लाइन में देता है साइड में अपर में देता है, ऊपर रहता है टोटल, आप सभी देख सकते हैं अच्छा से। ये बैटरी का स्विच है, हाँ, इसको पहले ऑन करना पड़ता है, ये ऑफ है, अब इसको ऑन करेगा उसके बाद चाबी ऑन करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, ये और देख सकते हैं आप, ये डेस्कपोर्ट जो भी है डिस्प्ले आप सभी देख सकते हैं, ये हमारा जो मार्चिंग का लीवर है सामने है और ये कैमरा है और वो GPS है, देख सकते हैं आपको टोटल। ठीक है, अभी भैया आप सभी को बताएंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है, मशीन के बारे में जानकारी देंगे। ठीक है किशोर भैया, बताइए हमारे दर्शक लोगों को। ओके, उसको पहले ऑन करना पड़ेगा, पहले इधर बैटरी ऑन कीजिए, सबसे जरूरी होता है ये स्विच ऑन करना, ये बैटरी का, बैटरी का मेन स्विच है, इधर ऑन करेंगे उसके बाद से चाबी घाट ऑन करेंगे। ये हमारे चाबी ऑन कर दिए, ये हमारा कैमरा चालू हो गया, जो कि देख सकते हैं ये जूम लाइन लोगो आ गया और ये पूरा हमारा कैमरा चालू हो गया, जूम लाइन का लोगो, वो पीछे का कैमरा है। पहले पीटीओ ऑन करना पड़ेगा और सबसे जरूरी है हमारा पीटीओ ऑन करना, पीटीओ ऑन करेगा डिस्प्ले जाके ऑन होगा। हाँ, ये पीटीओ जब तक ऑन नहीं करेंगे हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं होगा। और ये इसी में है, बोले तो जूम लाइन में ऐसा फंक्शन है और सब मशीन में नहीं है, लेकिन जूम लाइन में ऐसा है, जब तक हम पीटीओ ऑन नहीं करेंगे हमारा डिस्प्ले ऑन नहीं होगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें, आप सभी देख सकते हैं। और उसके बाद हम चाबी ऑन करेंगे तो चालू हो जाएगा, अभी चालू नहीं करना है, ओनली फंक्शन के बारे में बताएंगे फिर बाद में चालू करेंगे आप सभी को। ये देख सकते हैं डिस्प्ले मैनुअल जो कि हमारा है चार्ट, आप इसको मैनुअल चार्ट देखने के लिए ये F4 करेंगे तो हमारा लोड चार्ट आ जाएगा, F4 से हमारा लोड चार्ट आता है। ठीक है, बैक जाएंगे
F6 से रिवर्स जाएंगे, हमारा मैनुअल आ गया जैसा है सेम मैनुअल में आ गया, ठीक है। यही है इसका पांच नंबर दबाएगा, F5 डालेंगे तो हुक अपना चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको करना है एक नंबर दो नंबर मेन हुक और बॉल हुक इसी में चेंज करना होता है F5 में, ठीक है। इसमें सेटिंग है बूम का सेटिंग, F1 में सेटिंग है, F2 में भी सेटिंग आता है, मैनुअली सेटिंग है, और F3 में सर्चिंग आता है, और F4 में आपका इंफॉर्मेशन मालूम होता है, यही है, ठीक है ठीक है ठीक है। जाएंगे मैनुअल में, ऊपर आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो कि लोड है, और उधर आप इशारा से बताइए कितना हमारा अभी ये 40 मीटर बूम है। हाँ हमारा अभी कैपेसिटी बन रहा है 9 टन है, अभी हम लोग तो कुछ माल उठाया नहीं, बस वही बूम एंगल इतना है, रेडियस इतना है, देख सकते हैं चालू कर सकते हैं। हाँ ये HMR हो गया, ये आवर्स मीटर हो गया, इधर टेम्परेचर का हो गया, ये डीजल का हो गया, नीचे वाला RPM में भी चालू नहीं है मशीन, चालू होगा तो RPM बताएगा, और नीचे बैटरी का हुआ 24.2 है, ठीक है यही है फंक्शन, डिस्प्ले का यही है, और ये सामने एक कैमरा है, और इधर भी साइड में एक कैमरा है, देख सकते हैं आप सभी। हाँ ठीक है, और पीछे स्विच के बारे में आप सबको बताएं, स्विच चाबी घाट हो गया, फर्स्ट चाबी घाट है, और उसके साइड में देख सकते हैं आप जो कि इधर एक ये एक्सीलेटर का है, एक्सीलेटर का है, आपको पाए में मैनुअल जो है उसका स्विच जितना घुमाएंगे उसके हिसाब से एक्सीलेटर है, इसमें इमरजेंसी स्विच हो गया, उधर इमरजेंसी हो गया, हाँ इधर भी एक इमरजेंसी है, लेकिन इधर भी एक इमरजेंसी है, और ये साइड में भी एक इमरजेंसी स्विच है, ये बाईपास का हो गया, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं ये बाईपास का हो गया, और उधर एक हमारा जो ओवरट्रियल बाईपास हो गया, ये दोनों, हाँ ये दोनों बाईपास का है, बाईपास हो गया, ये चाबी जब तक ऑन नहीं करेंगे बाईपास वो स्विच काम नहीं करेगा। हाँ और पीछे वो चार्जिंग है 24 वोल्ट, देख सकते हैं आप, ये लेफ्ट साइड का लीवर है पायलट लीवर, ठीक है, और ये राइट साइड का पायलट लीवर है, पायलट लीवर के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा कैसे काम कर, ले इधर करेंगे तो हमारा ये आरिया होगा, नीचे करेंगे तो आरिया होगा, ऊपर करेंगे हाविस होगा, साइड में करेंगे बूम अप, तो बूम अपने तरफ लेके करेंगे तो बूम अप होगा, उधर करेंगे तो बूम डाउन होगा, बूम डाउन होगा, सेम है ये बात, ये भी सेम, ये बॉल हुक का देख सकते हैं, राइट स्विंग होगा, ये लेफ्ट स्विंग होगा, उसके बाद ये हमारा चेंज करेगा तो बॉल हुक का चेंज करेगा, हुक चेंज करेंगे तब भी होगा, बॉल हुक काम करेगा, इसमें ऐसा सिस्टम है जूम लाइन में, ठीक है। और ये हमारा दो स्विच है, एक हरन का है, एक स्विंग का है, और उधर में भी वही हरन है, एक हरन है, एक म्यूट का होगा, बस और यही फंक्शन है, और उधर दो स्विच है जो देख सकते हैं हाई लो स्पीड का है, उधर जो कि है साइड में, और एक सेटअप स्विच दिया है, ये टू एक्सीलेटर फिक्स है, और ये हो गया, ये ऑफ कर देगा तो इधर पाई में एक्सीलेटर काम करेगा, इधर कर देगा ये स्विच ऑन करेंगे तो, मतलब पैर इधर करेंगे तो स्विच ऑन करके तो काम करेगा, फिर उधर बंद कर देंगे तो मैनुअली काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये हमारा हो गया फ्री फॉल का छोटा वाला जो कि देख सकते हैं, इसको दबा के फ्री फॉल करना, इधर पहले बाईपास, वो जब तक बिना बाईपास लिए हम चाबी ऑन नहीं करेंगे तब तक फ्री फॉल नहीं होगा, ये तो पहले भी आप सभी को मैं बताया हूँ वीडियो में, वही है सेम प्रोसेस, ठीक है। और ये देख सकते हैं लाइट है ऊपर, बैटरी का, ये हमारा बैटरी का, ये हमारा हाई लो का है, ये भी हाई में है, इसको दबा देगा तो पूरा फंक्शन मार्चिंग सब जितना है लो हो जाएगा। ये अपना वाइपर हो गया, ये वाइपर हो गया, ये दोनों वाइपर का हो गया, इधर वाला पानी का हो गया, वाइपर का हो गया, और लाइट का हो गया, ये दोनों लाइट का है, हाँ दोनों, एक हाफ साइड वाला वर्किंग का लाइट है, एक मैनुअल लाइट, बस ठीक है। ये इसका, ये एक ट्रैकिंग का हो गया, बस तो नहीं नहीं फॉल का है, फॉल का हो गया, और ये सेटिंग का हो गया, ये हम लोग जब डिसेंबली करेगा ट्रैक का, हाँ ट्रैक का है वो, और स्विंग का हो गया, ये 360 स्विंग का हो गया, ये और ये लॉक का हो गया, और ये हाई लॉक का हो गया, कछुआ साफ देख सकते हैं, बॉल हुक का और मेन हुक का, फर्स्ट ड्रम ठीक है, हाँ फर्स्ट ड्रम सेकंड ड्रम का, एसी का है, ये एसी का आप जैसा कंट्रोल करना सोचेंगे वैसा है, इधर फंक्शन जूम लाइन का साइड में स्विच सिस्टम दिया है जो कि एसी का है, आप सभी देख सकते हैं, और यही है जूम लाइन में।
और इधर ये जो दृश्य आप सभी को देख रहे हैं, ये साइड में इसका एंगल दिखता है जो कि हम केबिन में बैठे बैठे जूम लाइन में देख सकते हैं, लेकिन और मशीन में सामने जल्दी नहीं दिखता है, साइड में थोड़ा साइड होना पड़ता तब दिखता है। और इसमें लाइट है, आप सभी देख सकते हैं, यही है केबिन। केबिन तो ज़बरदस्त है। और ये हमारा जो मार्चिंग लीवर है, हमारा मार्चिंग लीवर इधर है, और ये पैनल बोर्ड नीचे है। टोटल जूम लाइन में स्पेस इतना ही देता है। इसका नीचे भी एसी का दिया है, सीट वोट देख सकते हैं, ज़बरदस्त है। ठीक है दोस्तों, ये केबिन दृश्य, साइड ग्लास है, मिरर, और ये हमारा काउंटर बेट है। ये काउंटर बेट कितना है इसका टोटल? 29 29। और ये कार्बोडी काउंटर बेट है, तीन तीन छः टन का है। ये सब ध्यान रखिएगा, ये जो कि काउंटर बेट है, मेन काउंटर बेट 29 टन का है, और कार्बोडी काउंटर बेट तीन तीन छः टन का है। ठीक है, ये है जूम लाइन जो कि आप सभी देख सकते हैं, जूम लाइन मशीन है फिलहाल। और ये ट्रैक देख सकते हैं आप फिलहाल। ठीक है, ये ड्रम आप सभी को दिख रहा होगा ऊपर, और ये देख सकते हैं मास्क। ठीक है दोस्तों, इधर भी लाइट लगा है, कैमरा लगा है, ज़बरदस्त है केबिन में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, अभी हम पूछते हैं अपना किशोर भैया से, आप सभी को कुछ जानकारी देंगे। किशोर भैया, आप बोलिए। किशोर भैया, हाँ समझता हूँ मैं, नमस्कार। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। आपको कुछ भी, कोई भी मशीन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक चैनल में आपको मिल जाएगा। और कोई जैसे भी हम लोग कहीं भी कुछ काम करेगा, जैसे अच्छा सा काम कीजिए और सब काम कीजिए, और कोई भी मशीन का जानकारी चाहिए तो हम लोगों किसी में कमेंट में बताइए और शेयर भी कीजिए। हम लोगों को ज़रूर, कोई भी मशीन हो, क्रेन छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी 6 टन तक हम लोग इन्फॉर्मेशन आपको देगा, कोई भी मशीन आपको चाहिए तो। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपको कोई भी मशीन का जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम लोग कमेंट में देख के ही हम लोग वही मशीन का जानकारी ही देगा। और कुछ लोड चार्ट का बारे में, सेटिंग का बारे में कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग ज़रूर देगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जैसे भी हम लोग काम करेंगे ना, पहले सेफ्टी देखिए, हम लोग का क्रेन का क्या सेफ्टी है। हमारा जैसे हो गया, पहले तो सेफ्टी हो गया हम लोग का, बूम अप लिमिट स्विच हो गया, फर्स्ट का लिमिट स्विच हो गया। उसका बाद हम लोग पहले पोजीशन देखना है, कैसे क्या पोजीशन में माल उठेगा, वही हिसाब से हम लोग देख के ही अच्छे से काम करना है, अच्छा से ही घर लौटना है, और कोई जैसे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कहीं भी सेफ काम कीजिए, पहले जगह देखिए, स्पेस देखिए, वहाँ अच्छा जगह है, उसके बाद ही काम कीजिए। नहीं होने वाला है भैया, इंजीनियर से बात करेंगे, अपना सेफ्टी वाले से इंक्वायरी लेंगे, उसके बाद ही सेफली काम करना है। कहीं भी काम कीजिए, ये हैवी इक्विपमेंट है भी, मैं तो यही डायरेक्शन देता हूँ, कहीं भी जाइए, सेफ जगह हो, सेफ वाले सेफ्टी में काम कीजिए, सबसे ज़रूरी है। और कोई भी मशीन का आपको जानकारी चाहिए तो इसी में आप कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। थैंक यू।